अरे का पुलिस गाड़ी गणपति बप्पा प्रणव प्रण थोड़ा संभाल सर बोलो गणपति बप्पा गया था। हमारे विधायक प्रताप सरनाइक जी ने मीरा भाईंदर वन संघ जो है उस संघ को एक हॉल बनाने के लिए जगह उपलब्ध करके दी, जिसमें आने वाले दिनों में 12-14 हज़ार फुट का काम होने वाला है और स्वयं के आमदार विधायक निधि से 1 करोड़ रुपया उन्होंने दिया, उसका भूमि पूजन हमने आज यहाँ पर किया। और प्रताप सरनाइक जी ने लगभग मीरा भाईंदर में सभी समाज के लोगों को इस प्रकार का जगह और हॉल बना के देने का जो एक नई परंपरा प्रारंभ की है, मैं मानता हूँ कि मीरा भाईंदर का जो पैटर्न है ये आने वाले दिनों में पूरे मुंबई शहर में पहुँचेगा। इतना अच्छा बढ़िया कार्यक्रम उनके माध्यम से हुआ और इसलिए मैं समाज के सारे हमारे बंड संघ के लोगों की ओर से प्रताप सरनाइक जी का अभिनंदन करता हूँ। मुंबई शहर में मराठी और दक्षिण भारतीय खास करके मैंगलोरी समाज के लोगों का एक कॉम्बिनेशन जो बना है, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का युति तो है बहुत लंबे समय से, लेकिन मराठी और मैंगलोरी लोगों का एक युति जो हुआ है ये देखते ही बनता है। मैं संकल्पना करता हूँ कि आने वाले दिनों में बहुत लंबे समय तक ये हमारा जो साथ और सहयोग है वो बना रहे और हम सब लोग मिलकर समाज का इसी तरह से काम आने वाले दिनों में करेंगे। खुश नसीब अपने आप को समझता हूँ कि हमारे राज्य के सबसे ज़्यादा वोटों से चुन के आने वाले सांसद आदरणीय गोपाल जी शेट्टी के हाथों से आज मीरा भाईंदर शहर महानगर पालिका के माध्यम से राज्य शासन का 1 करोड़ रुपए और मेरे विधायक निधि से बनने जाने वाला दक्षिण भारतीय भवन का भूमि पूजन आज गोपाल शेट्टी जी के हाथों से हुआ। वन समाज के सभी लोगों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा और इस कार्यक्रम में इस भूमि पूजन के कार्यक्रम के दौरान गोपाल शेट्टी जी और मेरा जो सम्मान किया उसके लिए हम बहुत इनके आभारी है। और साथ ही मैं यही कहना चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर शहर, मैंने पहले ही कहा कि एक मिनी इंडिया है, सभी जाति धर्म के लोगों को लेके हमको साथ में चलना है। राजनीति तो राजनीति की जगह पे होती है मगर हर कम्युनिटी को अपने अपने समाज को आगे लेके जाना, हमारे हर समाज को कम्युनिटी के माध्यम से एक साथ लेके आना सबकी जिम्मेदारी होती है, तभी भाईचारा शहर में बनता है, कोई डिसिप्लिन शहर में आ जाता है, शहर का सुशोभीकरण होता है, शहर सुंदर बनता है, शहर में सुविधाएं उपलब्ध होती है, मगर साथ साथ हर कम्युनिटी को मान सम्मान देना, उनका समाज भवन निर्माण करना भी विधायक का काम होता है। और वो काम मैंने पिछले 1 सालों में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब और उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस इनके हाथों में जब राज्य की ये जो दौर आई है उस माध्यम से मैंने 1 करोड़ रुपए का निधि लाया और इस निधि के माध्यम से समाज भवन बनाया। आज दक्षिण भारतीय समाज भवन का भूमि पूजन हो गया, करीबन 5,000 स्क्वायर फुट का ये भवन होगा और अभी 1200 फुट की सैंक्शन उसको दे दी है, भविष्य में और भी बड़ा हो सकता है। तो इसके लिए अगर और भी भविष्य में राशि की ज़रूरत होगी तो राज्य शासन और मेरे विधायक संघ से हम कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा फंड उनको मिले, मगर एक है कि शुरुआत हो गई है, ये शुरुआत आगे किस घड़ी तक लेके जाना ये वो कम्युनिटी का अधिकार रहता है। और मैंने कम्युनिटी को भी बोल दिया कि आप कॉरपोरेशन के पास अगर लेटर दे देंगे तो ये समाज भवन आपके हाथों में, आपके कम्युनिटी के हाथों में मिल जाएगा ताकि उसको मेंटेन भी आप लोग कर पाएंगे। मैं फिर एक बार गोपाल जी शेट्टी और सभी बंड समाज के लोगों का, खासकर अध्यक्ष चंद्रा शेट्टी और उनके सभी सहयोगों का धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम इस समाज भवन के लिए रखा है।